सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो 12 बज गए हैं अभी, ऐसा नहीं है कि सुबह का टाइम है, वैसे आफ्टरनून हो गया है, बट व्लॉग सुबह जाएगा तो इसलिए मॉर्निंग कर रही हूँ। तो अभी मेरा काम निपटा है, अभी निपटा भी नहीं है, आज थोड़ा ऐसे लेट हो गए, बच्चों के साथ बैठ गए, टीवी देखने लग गए और देख रहे थे क्या कार्टून मूवी आ रही थी सिंचैन की, तो वही देखने लग गए तो लेट हो गया। और तो आज बनाया था सैंडविच, जैसे इससे पहले आपने देख ही लिया होगा कि सैंडविच बनाया था, इनके लिए बनाया था दलिया। तो बच्चों को नहला धुला के, कपड़े नहीं धुले मैंने आज, मैंने कपड़े इकट्ठे करके रख दिए हैं, और क्योंकि फिर यही है कि कपड़े धुलने में लग जाओ, और कल ऐसे कि बच्चे नहा गए हैं ना तो एक दिन एक दो दिन छोड़ के नहाते हैं, तो कल उनके कपड़े, सबके कपड़े मतलब कल सुबह मशीन लगा लूँगी। और अभी बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें ऊपर भेजा, इनको ना थोड़ा सा भी बोलो कि थोड़ा बिस्तर झाड़ना, इधर हो जाओ उधर हो जाओ, तो बहुत चिढ़ते हैं, चिढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं चिढ़ते थे बट आजकल चिढ़ रहे हैं। होता है ना बीमारी में जब इंसान कमजोरी महसूस करता है, असहाय महसूस करता है, तो मतलब होता है चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजर चुकी हूँ तो मुझे पता है, तो चिड़चिड़ापन सा हो रहा था। तो अभी मैंने बिस्तर झाड़ा, हमारा ना उधर वाला गद्दा पिचक गया था, हमें गद्दा लाना था नया ना, इधर वाला तो हम ले आए थे, उधर वाला भी हमें लाना था नया, बट कंडीशन ही ऐसी हो रही कि क्या करें। तो फिर मैंने यहाँ का गद्दा वहाँ डाल दिया, तो बिस्तर बिल्कुल सही हो गया, और मैंने उनका ना उनकी कंबल और रजाई बिछा दिए जिससे गर्म रहे बिस्तर ना, नहीं तो अगर निकाल दो तो ठंडा तो हो ही जाता है, तो फिर चढ़ेंगे तो इससे अच्छा रख दो। तो वो गद्दा बाहर लिया है और ये बहुत पिचक गया, बच्चे ना उछल उछल के, वैसे पुराना ही था पहले से ही, तो फिर पिचक गया है, तो वो चेंज कर दिया मैंने, अलग गद्दे बराबर हो गए, अपनी तो नहीं दिक्कत हो रही थी सोने में फिर। और बस अब दाल चढ़ाती हूँ, बोल रहे हैं जो दाल तुम चढ़ाओगे उसी का ही सूप मुझे दे देना, तो देखती हूँ कौन सी दाल चढ़ाओ, अरहर की दाल है ही नहीं, मलका वगैरह है, तो देखती हूँ, थोड़ा ये भी है कि पेट भी देखना उनका ना जिससे हल्की रहे दाल, तो दाल चढ़ाती हूँ फिर सीधे धूप में जाती हूँ छत के ऊपर, तो वही मिलती हूँ आपको। और हाँ, मैंने विशेष तो दी नहीं, वैसे 12 बजे मैंने विश किया था, इसमें मैं क्लिप डाल दूंगी, और तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी खुशी आए, पॉजिटिविटी रहे लाइफ में, नेगेटिविटी जाए दूर जाए, और हल्के फुल्के बीमारियां तो लगी रहती है, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत, बट कोई बड़ी प्रॉब्लम किसी की भी लाइफ में ना आए, भगवान से यही दुआ करूँगी और ना मेरी लाइफ में आए, क्योंकि मैंने बहुत झेल चुका है। तो चलो मिलती हूँ। सो फ्रेंड, अभी शाम के हो गए हैं 7, और बाय चांस आज हमारी टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया, और बहुत अच्छा हुआ जिससे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इतने दिन की छुट्टी हो गई, एक दिन मैंने दिया था इन्हें, नहीं किया इन्होंने, सिर्फ 4 दिन की छुट्टी बची है, अभी नहीं 4 दिन नहीं, अभी 7 दिन की है। मम्मी सोचो मत, ठीक है तो मैं आज रात, तो 7 दिन की छुट्टी बची, मतलब वही 8 जनवरी तक इनकी छुट्टी है, और टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया तो बच्चों को पढ़ाई करना पड़ रहा है। और मैंने सोचा शाम को कुछ फूड वो लाएंगे, चाइनीज फूड वगैरह खाने के लिए, बच्चों की पार्टी कराएंगे, लेकिन ना मौसम ठंडा भी, और मन नहीं करता है फिर ना गाड़ी निकालो, गाड़ी अंदर रहती है तो बाहर निकालने का मन नहीं करता है, कौन बाहर गाड़ी बाहर निकाले, जब तो ये कि दूध वगैरह लाना, सुबह लाते चाइनीज फूड, देखो सुबह खिलाया नहीं, सैंडविच खाए ना, चाइनीज है वो, कुछ तो खाया, तो बस यही, और सैंडविच की वीडियो बनाना, हाँ बना रखी मैंने, अच्छा मम्मी और खा के यम्मी हो लगेगा, हाँ वीडियो में देखना, फिर वैसे ही सैंडविच बनाना है ना अन्नू, हाँ यम्मी था ना, हाँ खा के बताओगे, तो टमाटर के साथ एक बार ही खाया, टमाटर के साथ नहीं खाया, सिर्फ प्याज और वो उसको क्या बोलते हैं, मेयोनीज, टिक्की मेयोनीज, टिक्की टिक्की खाया था मैंने, हाँ चलो आप बैठो, मेरे को प्याज और मूली खाई थी मैंने, दोनों के साथ दो खाई थी मैंने, और फिर प्लस ये भी था, हाँ ये था, पहले ना जब हम मतलब छोटे थे तो मम्मी करती थी सुबह जल्दी जल्दी उठो, नहीं तो पूरे साल भर सोते रहोगे, जल्दी जल्दी उठाती थी, जल्दी जल्दी नहलाती थी, तो आज आरब भी मना कर रहा था नहाने के, मैंने कहा बेटा नहा लो, साल भर नहीं नहाओगे फिर,
मतलब वही पहले की बातें, तो मम्मी बोलती थी चलो जल्दी जल्दी उठो सुबह, जितने जल्दी उठोगे तो हर साल मतलब साल भर जल्दी उठते रहोगे, जितने वो नहाओगे तो साल भर मतलब साफ रहोगे, यही सब बातें, और पैसे खर्च नहीं करने हैं नहीं तो साल भर पैसे खर्च करते रहोगे। मैंने आज एक भी रुपये खर्च नहीं किया, इसलिए कल डॉक्टर को दिखा दिया था कि साल भर हॉस्पिटल में जाते, अब ये कि एक डेढ़ एक सप्ताह बाद जाएंगे, एक एक सप्ताह की दवाई दे रखी है डॉक्टर ने, तो एक सप्ताह बाद जाएंगे, और बस ये है कि, और इनके ना शरीर में बहुत वीकनेस आ गई बहुत ज्यादा, मतलब सुबह जैसे धूप में, मैंने कहा धूप में बैठ जाओ तो ये सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मैं खुद कनेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि जब मुझे कोविड हुआ था तो उसके बाद ना मेरे पाँव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, पूरा भार काम मेरा भी ना बिल्कुल पाँव काम नहीं कर रहे थे कोविड के टाइम पे, तो मैं कनेक्ट कर सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। और वैसे भी इनका ना पोटेशियम लेवल कम होता है, हॉस्पिटल में चढ़ाया था वैसे पोटेशियम, तो शायद इस वजह से, नहीं तो जैसे पेचिस वगैरह होते तो इनका लेवल हो जाता है पोटेशियम लेवल, एक बार हुआ था मतलब पहले तो मुझे और मुझे नहीं पता, बट एक बार हुआ था इनके साथ ऐसा, तो शायद वही कम हो रहा हो, कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही हो। तो दवाइयाँ वगैरह तो दी हैं डॉक्टर ने, सब बता रखा है डॉक्टर को, और तो बस यही है। और खाना आज दिन के चावल भी है, दाल भी बहुत सारी रह रखी है, तो देखते हूँ, आटा भी है गूंदा हुआ ना, तो अगर बच्चे रोटी खाएंगे तो आटा है दाल रोटी खा लेंगे, और इनके लिए तो दाल बनाऊंगी, मूंग की दाल बनाऊंगी, वो सुबह दलिया खाया था तो बोले हैवी लग रहा है, और इन्हें ना मूंग की दाल शायद अब पच रही है ना, सुबह मैंने दिन में मैंने चने बनाए थे, काले चने होते, मैंने कहा वो भी पौष्टिक होते तो इसलिए मैंने उसका सूप इन्हें दे दिया था, बट बोले मुझे हैवी लग रहा है, तो मूंग की दाल बनाऊंगी इनके लिए अभी। और ये ना एक्स्ट्रा भी नहीं खा रहे, जैसे तीन टाइम है तो तीन ही टाइम एक एक दाल की कटोरी या दलिया जो भी, तो उससे क्या शरीर में ताकत लगेगी, मैं बोली बीच में भी खा लो जैसे, तो अरे फल फ्रूट खा, फल फ्रूट बोला है डॉक्टर ने, लेकिन वही है कि ठंडा हो रहा है तो ऐसा भी लग रहा है कि खांसी ना हो जाए, बट वही ना मौसम ज़्यादा ऐसे धूप भी नहीं आ रही, आज तो थोड़ा ही थी धूप, थोड़ा देर रहा है फिर मौसम ऐसे ही हो गया था, तो बस यही सब है। और बस नया साल आ गया है, उम्मीद करते हैं कि सबकी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा हो, और हमारी लाइफ में भी, मतलब वैसे तो अच्छा क्या होगा, बट ये है कि एकदम से इतना दुख ना है। वैसे साल ठीक ही रहा, लास्ट में मतलब बहुत परेशान किया साल ने, दो तीन महीने बहुत ख़राब रहे हमारे, और वैसे तो ठीक ठाक रहा, मतलब इतना भी नहीं ठीक ठाक रहा कहो तो। तो हर साल यही उम्मीद लगाई रह जाती है कि अगला साल अच्छा हो, अगला साल अच्छा हो, चलो जैसे ऊपर वाले की मर्जी है, झेलना है हम नहीं है, मुसीबत हम पे आएगी तो हमें ही झेलना पड़ेगा, और इस मुसीबत से काफ़ी स्ट्रांग भी बन जाते हैं, दुनियादारी का पता चल जाता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कितना साथ दे सकता है, कौन कितना साथ नहीं दे सकता है, बहुत कुछ सिखा दिया इस टाइम ने, दो तीन साल में मैंने बहुत कुछ सीख लिया, रिश्तों के बारे में, सब चीज़ के बारे में बहुत कुछ सीख लिया, दुनिया के बारे में कि दुनिया के साथ कैसे चलना है, और बहुत मेरे अंदर वो भी आ गई है, मतलब गुस्सा मुझे एकदम आता था, टेम्पर मेरा हाई रहता था, या कुछ भी चीज़ है बहुत कुछ सीख लिया है रिश्तों में, मैं अंधविश्वास करती थी जिसे बोलते हैं ना अंधविश्वास, तो वो सब मैं अब मतलब काम डाउन हो गई हूँ, मुझे पता है कि किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उम्मीद जितनी हम उम्मीदें लगाएंगे उतना हमें निराशा मिलती है, तो बस अपने परिवार के साथ रहो, खुश रहो, और मेंटेन करके रखो हर चीज़ अपनी लाइफ में, तो बहुत कुछ सीख लिया है और अच्छा है, दुख आता है तो इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाता है, तो ये सब सीख लिया है, और चलो साल गया है, बहुत कुछ सिखा के भी गए हैं ये दो तीन साल गए हैं, और कोविड से भी बहुत कुछ सीखे हैं हम, फिर जो हमारी बीमारियां हैं उससे भी हम बहुत कुछ सीखे हैं, और शायद ये अच्छा लेसन दे गया है हमें, तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।